This conference will ये है now be मेरी, recorded. ये है मेरी कस्टम अमेंडमेंट की वर्ड फाइल। ये 34 पेज की फाइल है। हम लोग कैसे क्लास करेंगे? जो अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से, या आप लोग के पास यूट्यूब के माध्यम से आज और कल में पहुंच जाएंगे, वो वाले अमेंडमेंट यहाँ पे ब्लैक पॉइंट में। तो जैसे आपने देखा अमेंडमेंट 1 ब्लैक पॉइंट में है, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, शायरी के माध्यम से मैंने इसको आपको कराया था। ये ऑलरेडी यूट्यूब के माध्यम से कराया जा चुका है, तो ये यहाँ पे नॉट डिस्कस्ड। ठीक है, जो बच्चों ने वो अमेंडमेंट नहीं देखा वो आराम से जाइए कस्टम अमेंडमेंट संजय मुंद्रा यूट्यूब में टाइप करिए, वो अमेंडमेंट लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, सीए इंटर में कस्टम सिलेबस में नहीं है अंजलि अग्रवाल। आप यदि सीए इंटर के बच्चे यहाँ पे तो बैठे हैं तो चले जाइए, क्योंकि सीए इंटर में कस्टम अमेंडमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, बात बात की सबके सिलेबस में कस्टम अमेंडमेंट है, कोई इंटर का है तो कोई फाइनल का है, तो वो मैं जब अमेंडमेंट करा दूंगा तब बताते जाऊंगा कि इंटर के लिए रेलिवेंट है फाइनल के लिए। ठीक है, तो कोई बच्चा सीए इंटर दे रहा है तो भाई यहाँ से चल। अमेंडमेंट नंबर 2 25A 25B, ये अमेंडमेंट भी हमारे यूट्यूब के थ्रू आप लोग को कराए जा चुके हैं, तो आप लोग इसको ब्लैक लेटर में देख रहे हो, ये आपका किया हुआ है या कर लेंगे, यदि आपने नहीं किया तो कर लेंगे। इंडियन कस्टम वाटर में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है जो सबको पता है, ये भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया है इसका, फिर भी सुन लो कि इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल की जगह 200 नॉटिकल माइल हो गया। पहले 12 नॉटिकल माइल तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर था, वो है 24 नॉटिकल माइल की जगह 200 नॉटिकल माइल इंडियन कस्टम वाटर, ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है, एंड 200 नॉटिकल माइल का थी IEEZ। तो इफेक्ट आपको एकदम क्लियर है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कस्टम डिपार्टमेंट का जुरिडिक्शन 200 नॉटिकल माइल तक फैल जाए। पहले कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिर्फ 24 नॉटिकल माइल तक ही किसी को अरेस्ट कर सकते थे, किसी को सर्च या सीज कर सकते थे। अब कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर 200 नॉटिकल माइल तक सर्च सीजर कर सकते, क्योंकि कस्टम वाटर की डेफिनेशन बढ़ गई। आई होप सबको क्लियर है, फिर इसको यूट्यूब के थ्रू आप और अच्छे से सुन लें। अच्छा, देखो ये ग्रे लेटर के कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ग्रे लेटर के अमेंडमेंट्स? ये कोई खास नहीं, ये आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर लेना जब ये किताब आपके पास पहुंच जाएगी। जब ये वर्ड बुक 34 पेज की बुक आपके पास पहुंच जाएगी तो ग्रे लेटर वाले फॉन्ट आप अपने आप पढ़िए। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंटी सब्सिडी ड्यूटी में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि इनके डिसीजन से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, सेफगार्ड ड्यूटी एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी, यदि आपको लगता है कि ये आप तो ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो आप इसके अगेंस्ट में पहले कुछ नहीं कर सकते थे, अब अमेंडमेंट आ गया कि अब आप इनके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं टू ट्रिब्यूनल। ब्लैक लेटर में है, इसके ऊपर यूट्यूब का वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ असेसमेंट, ये सारे रामापा की कहानी ये मैंने यूट्यूब में डाल दी है, या आपने वापस सारे रामापा पढ़ लिया होगा। ये ब्लू वाले लेटर्स है जो आज हमें क्लास में करने हैं, ठीक है ना, ये ब्लू वाले लेटर्स है जो आज हमें क्लास में करने हैं। तो इस तरीके से आज आपको क्लास समझ में आ गई कि वर्ड फाइल जब चलेगी सामने तो उसमें तीन तरह के लेटर्स चलते नजर आएंगे आपको, ब्लैक लेटर्स जो आपको यूट्यूब में देखना है, ग्रे जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और ब्लू जो मैं आपको कराऊ। तो हमारा पहला अमेंडमेंट आज की क्लास का है असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटर फाइनल सब के लिए रेलिवेंट है,
सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट में इस साल पूरा चैप्टर ही चेंज हो, पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया। व्हाट इज असेसमेंट पूछ सकता है सारे रामापा जो मैंने आपको यूट्यूब में दिया था। और ये अभी हम लोग करने जा रहे हैं असेसमेंट, क्योंकि ये सेक्शन 17 भी चेंज हो गया, सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट ये भी चेंज हो गया, सब चेंज हो। आओ प्यार से पढ़ो असेसमेंट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 17, एक बार ये देख लो, SBDR 15, SBDR 15, ठीक है। और क्या है, पहले एक बार सिंपल भाषा में सुन लो। अरे मिलेगा PDF, मिलेगा, इसकी भी हम लोग ई बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको GST की ई बुक दी थी, GST की वीडियो बुक दी थी, कि वीडियो बुक समझते हो ना, कौन से जमाने में आउटडेटेड हो। संजय मुंद्रा ने मार्केट चेंज किया है, अब PDF भूल जाओ, अब वीडियो बुक चलेगा। अभी तक PDF PDF, अरे आउटडेटेड, अरे आज से 10 दिन पहले वाली जनता, अब नई जनरेशन वीडियो बुक मानती है। वो बोलती है कि जहाँ पे अमेंडमेंट है वहां पे आप एक वीडियो बना के पेश कर दीजिए, हम लोग वो वीडियो बुक देखेंगे ना। मेरा GST का वीडियो बुक देखा कि नहीं देखा? अभी भी PDF वाले जमाने तो हो, अरे आउटडेटेड, समय के साथ चलो। और मेरे स्टूडेंट हो तो समय से थोड़ा आगे चलो। PDF मिलेगा, PDF बच्चे, और वीडियो बुक में समय लगता है, वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, वो एडिट होते हैं, फिर यूट्यूब में अपलोड होते हैं, फिर उसकी लिंक किताब में डाली जाती है, इट टेक्स टाइम, है ना। तो बताओ PDF चाहिए कि वीडियो बुक चाहिए? हाँ ना, ऐसा था टाइम ला ले जाए, लेकिन हम लोग तो वीडियो बुक दी जाए सर, हम लोग नहीं पूछेंगे PDF मिलेगा मिलेगा, कभी नहीं पूछेंगे। गुड, नाइस। तो किताब रेडी है, खाली यूट्यूब में वीडियो डालने बाकी है। आई होप हम लोग 3 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे, तो इसी वीक में आपके पास इसकी वीडियो बुक आ जानी चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो बुक के बारे में अपने दोस्तों को बताओ, वो आउटडेटेड है बेचारे, उन्हें बताओ कि अब ये जमाना है पढ़ने का, क्या PDF PDF। तो असेसमेंट में क्या अमेंडमेंट आया, यहां से हमारी क्लास शुरू होती है। सेक्शन 17 ये असेसमेंट को कवर करता है। तो यदि एग्जाम में कोई शॉर्ट नोट आए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट, तो आपको सेक्शन 17 लिखना है। असेसमेंट में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल एग्जाम में बनते हैं। पहला, व्हाट इज असेसमेंट, दूसरा प्रोविजनल असेसमेंट, और तीसरा असेसमेंट। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं असेसमेंट। असेसमेंट बोलने पे हमारा सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी बंदा अपना बिल ऑफ एंट्री भरता है इंपोर्ट के केस में, और शिपिंग बिल भरता है एक्सपोर्ट के केस में, तो वो अपने उस शिपिंग बिल में और बिल ऑफ एंट्री में अपने आप ही सारी डिटेल डालता है, और उसमें सारे वैल्यूएशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, ड्यूटी बताता है। तो ये जो सारा बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल सबमिट करके भेज रहा है, That is known as self-assessment. तो पहली ड्यूटी आप ही की है, पहली ड्यूटी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी रेडी बता दे डिपार्टमेंट। आइए सब सेक्शन नंबर। एन इम्पोर्टर एंट्रिंग एनी इम्पोर्टेड गुड्स अंडर सेक्शन 46, ये बिल ऑफ एंट्री का सेक्शन है, और एन एक्सपोर्टर एंट्रिंग एनी एक्सपोर्ट गुड्स अंडर सेक्शन 50, ये शिपिंग का सेक्शन है। Shall save as provided in section 85, self-assess the duty, if any, leviable on such goods. तो इसको अपने भाषा में बोले तो importer exporter खुद self-assess करेंगे, या importer and exporter self-assess duty pay. लो पहला बात हो गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुद ही बताएंगे भैया मेरा ड्यूटी कितना बनता है। आओ नंबर 2, अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने तो बता दी भाई मेरा ड्यूटी कितना बनता है,
लेकिन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? तो सेकंड पैरा में बोला हुआ है प्रॉपर ऑफिसर उस बिल ऑफ एंट्री को, उस शिपिंग बिल को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई के अलावा वो गुड्स को एग्जामिन भी कर सकता है। एग्जामिन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को वेरीफाई कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, जरूरत पड़ने पे गुड्स की टेस्टिंग कर सकता है, केमिकल टेस्ट। वो शिपिंग बिल को वेरीफाई करेगा सब सही है कि नहीं है, बिल ऑफ एंट्री को वेरीफाई करेगा, और उसके बाद उसको यदि लगा कि सब सही है तो वेल एंड गुड, यदि लगा कि कुछ कुछ गड़बड़ है तो वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कॉल करेगा, इंफॉर्मेशन कॉल करेगा, इंक्वायरी करेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे सेकंड पर हमें ये लिखा हुआ है, द पीओ में वेरीफाई एंट्रीज मेड इन बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ द गुड्स रेफर्ड एज अबव एंड फॉर दिस पर्पज एग्जामिन और टेस्ट एनी इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, वो सब कर सकते। अब एक क्वेश्चन ये आता है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या वो सारी बिल ऑफ एंट्री को चेक करेगा? इम्पोर्ट प्रॉपर ऑफिसर क्या सारी बिल ऑफ एंट्री को चेक करेगा, क्या सारे शिपिंग बिल को चेक करेगा? तो आंसर इज नो, ऐसा थोड़ी है। हमारे कस्टम डिपार्टमेंट में तो आए समय हर समय कुछ ना कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता ही रहता है, तो दिस इज नॉट फिजिबल कि वो सारे सामान को चेक करे। एक मिनट बाबा, लैपटॉप एडजस्ट कर। तो दिस इज नॉट फिजिबल कि वो अपने सारे सामान को चेक करे। तो भैया किसको चेक करेगा? अपने स्टूडेंट्स होते ना, स्टूडेंट्स सब, सपोज आज लाइव क्लास चल रही है और टीचर ने होमवर्क दे दिया, सपोज 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 लाइव क्लास चल रही है और टीचर ने क्या किया, होमवर्क दे दिया। गंदा टीचर, होमवर्क तो देने की चीज है, फिर भी सपोज टीचर ने होमवर्क दे दिया। अब होमवर्क देने के बाद क्या हुआ, अगले दिन टीचर को होमवर्क चेक करना है, तो बताओ टीचर क्या सब स्टूडेंट की कॉपी चेक करेगा? भैया दिस इज नॉट फिजिबल, एक एक जन की कॉपी चेक करना फिजिबल नहीं है। तो बताइए टीचर किसी कॉपी चेक करेगा? तो रैंडम, किसी भी चार पांच जन की कॉपी चेक करेगा। अच्छा, रैंडम चेक करेगा कि डाउटफुल लोगों की चेक करेगा, जिन्होंने लास्ट टाइम होमवर्क नहीं किया था, जिसकी शक्ल देख के लग रहा है कि नालायक आज भी होमवर्क नहीं किया है, बताओ किसी कॉपी चेक करेगा? तो भैया ये टीचर के जजमेंट पे है, हिसाब से वही करेगा जिस जिसको उसको डाउट है, रैंडम भी कर सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बात है कि कस्टम ऑफिसर किसके बिल ऑफ एंट्री को वेरीफाई करेगा, क्या सबकी बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करेगा? भैया नॉट फिजिबल। तो सिलेक्शन ऑफ केसेज फॉर वेरिफिकेशन शैल प्राइमरीली बी बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी हमारे कस्टम ऑफिसर अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे रिस्क इवैल्यूएशन की, भैया यहाँ पे लगता है डाउट है, यहाँ पे उसको ज्यादा वैल्यू गुड्स है, यहाँ पे ड्यूटी अमाउंट ज्यादा है, ये सब की क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए वो आपकी सेल्फ असेसमेंट करेगा। अगला, प्रॉपर ऑफिसर मे रिक्वायर द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है, वो जो जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा आपको देना है। और यदि ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमारे कस्टम ऑफिसर को ऐसा रियलाइज होता है कि सेल्फ असेसमेंट इज नॉट करेक्टली डन, सेल्फ असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेगा वो? तो वो जो जो कर सकता है वो तो करेगा ही। देखो ये वर्ड देखो, मैंने अलग से लेटर दिया है। वो जो जो कर सकता है मतलब आपको पेनल्टी लगा सकता है, आपका यदि हाई वैल्यू है तो आपको जेल भेज सकता है, वो जो जो और काम कर सकता है वो तो करेगा ही, इसके अलावा वो आपकी ड्यूटी रीअसेस करेगा। यदि उसको लगा सेल्फ असेसमेंट रॉन्ग है तो वो आपकी ड्यूटी रीअसेस करेगा, और यदि रीअसेसमेंट में आपकी ड्यूटी बढ़ गई तो आपको डिफरेंशियल ड्यूटी देना है, और रीअसेस में आपकी ड्यूटी घट गई तो आपको रिफंड मिल जाए। ठीक है, यदि आप डिपार्टमेंट के रीअसेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डिपार्टमेंट को अफर्म मत करिए, क्या मत करिए, कंफर्म मत करिए कि आई एम हैप्पी। यदि आप कंफर्म नहीं करेंगे तो
तो डिपार्टमेंट आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर पास करेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट। 15 दिन के अंदर आपको रीअसेसमेंट का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर। अब देखो बच्चों, ये आएगा तो एग्जाम में शॉर्ट नोट में या फिर एमसीक्यू, तो इसमें नहीं बता रहा था यार मुझे, तो ये मुझे शॉर्ट नोट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, एमसीक्यू के हिसाब से कम अच्छा नजर आ रहा है। चलो तो शॉर्ट नोट यदि आएगा तो आप 5 पॉइंट क्या क्या लिखेंगे? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट बच्चों देखो, यही पे फाइनल करें, माँ बोर टॉपिक है, घर में पढ़ोगे सो जाओगे, क्लास में टीचर के साथ याद हो जाता है, ये हमारा फायदा है। तो पहला पॉइंट क्या है? सेल्फ असेस। दूसरा पॉइंट क्या है? वेरिफिकेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स मंगाना। चौथा पॉइंट क्या है? अरे चौथा पॉइंट क्या है? रीअसेसमेंट। और पांचवा पॉइंट क्या है? 15 दिन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हिमसेल्फ विल सेल्फ असेस द ड्यूटी पेबल एंड सबमिट बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई गुड्स, मे वेरीफाई बिल ऑफ एंट्री, मे वेरीफाई शिपिंग बिल, मे रिक्वायर द गुड्स टू बी एग्जामिन्ड, गुड्स टू बी टेस्टेड। सच वेरिफिकेशन शैल बी डन ऑन द रिस्क इवेल्युएशन क्राइटेरिया। डी प्रॉपर ऑफिसर मे कॉल सच डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एज ही डीम्स फिट। आफ्टर वेरीफाइंग सच डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन टेस्ट रिपोर्ट गुड्स वेरिफिकेशन बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल, इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेल्फ असेसमेंट इज नॉट करेक्टली डन, इट मे रीअसेस, ही मे रीअसेस द ड्यूटी, ही मे रीअसेस द ड्यूटी। इफ द एसएससी दैट इज इंपोर्टर एक्सपोर्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द री इम्पोर्टेशन, सॉरी विद द री असेसमेंट, इफ द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द री असेसमेंट देन देन ही शैल बी गिवन अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ री असेसमेंट। तो आपको ये याद रखना था SVDR 15। हाँ SVDR 15। बच्चों हो गया तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, सर ये तो याद ही हो गया, और यदि नहीं हुआ तो मुझे बता दो कोई डाउट है तो। SVDR 15 सेक्शन 17 वी हैव डन। यदि आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर, यदि आप डिपार्टमेंट के री असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उन्हें अफर्मेशन मत दीजिए, कंफर्मेशन मत दीजिए, तो अपने आप ही आपको 15 डेज के अंदर एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। भाई आपको वापस से समझाऊं, सपोज आपने ड्यूटी असेस किया 4 लाख, डिपार्टमेंट के अनुसार ड्यूटी हो रही है 16 लाख, तो डिपार्टमेंट ने आपको बोल दिया भाई आपकी 16 लाख ड्यूटी होती है। अब आपके मन में आया 16 लाख कहाँ से होती है भाई, गलत बात है, तो आप डिपार्टमेंट को कन्फर्म मत करिए। डिपार्टमेंट को आप कंफर्म नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट अपने आप ही आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि 4 लाख की जगह 16 लाख कैसे। यदि आप कंफर्म कर दे तो यस आई गॉट इट, 16 लाख कैसे हुआ मुझे क्लियर है, तो फिर डिपार्टमेंट टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आपसे ड्यूटी लेगा। यदि आप कंफर्म नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट 15 दिन के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर। तो भाई तुम्हारा एक सेक्शन हो गया सेक्शन 17, थोड़ा सा आराम से जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि क्लास स्लो है, तो लेट इट बी, आज मैं स्लो रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट, ये हमेशा से गोल्डन टॉपिक रहा है, इंटर में भी फाइनल में भी। इंटर के स्कैनर को उठाओगे तब भी ये भरा हुआ है, फाइनल के इसके अंदर को उठाओगे तब भी ये भरा हुआ है, हर बार पूछता है। तो भैया इसमें भी इस साल अमेंडमेंट आए हैं, ठीक है ना, तो बहुत जोर का अमेंडमेंट नहीं आया लेकिन अमेंडमेंट तो आए हैं, तो
इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। क्या है प्रोविजनल असेसमेंट? मतलब डिपार्टमेंट आपकी एक बार ड्यूटी निकाल के रख दी, एक बार आपको प्रोविजनली असेस करके रख दो। अब आपका क्वेश्चन आएगा क्यों प्रोविजनली क्यों निकालेगा, फाइनली असेस करो, प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करें? तो पहले पैरा में, सेक्शन 18 के पहले पैरा में ये बताया हुआ है कि चार ऐसे केसेज है कि डिपार्टमेंट आपको प्रोविजनली असेस कर सकते, चार ऐसे केसेस। नंबर वन, जब आप खुद ही बोल दो कि सर मेरे से सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार मुझे प्रोविजनली असेस कर। देखो आपको सेक्शन 17 में सबसे पहले पता है, सबसे पहले क्या आया, एस, SVDR 15, उसमें सबसे पहले क्या आया, एस। तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले होता है। सेल्फ असेसमेंट कौन करता है, इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर? अब इम्पोर्टर खुद ही बोल रहा है अरे भैया हमसे तो सेल्फ असेसमेंट नहीं ना होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो फिर क्या करे बताइए। यानी आप खुद ही पहले बोल रहे हो कि मेरे को एक बार प्रोविजनली असेस कर दीजिए, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है इसलिए मैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं बता पा रहा। तो डिपार्टमेंट बोलेगा जैसी तुम्हारी मर्जी, तथास्तु, सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, हम तुम्हारा प्रोविजनल असेसमेंट। तो ये था फर्स्ट रीजन व्हाई यू शैल बी प्रोविजनली असेस, बिकॉज यू योर सेल्फ रिक्वेस्टेड फॉर दिस, पहला पॉइंट होगा। पॉइंट बी में आ जाए, या फिर आपने तो अपनी तरफ से सेल्फ असेसमेंट कर दिया लेकिन अभी डिपार्टमेंट आपको पता आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, गुड्स वेरिफिकेशन करता है, गुड्स एग्जामिन करता है, गुड्स की टेस्टिंग करता है। तो सेकेंड पॉइंट में डिपार्टमेंट को लग रहा है कि गुड्स की टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बता रहे हो गुड्स मुझे वो नहीं लगता है तो मैं इसी टेस्टिंग करूँ। अच्छा टेस्टिंग करने में तो टाइम लगेगी, अरे हाँ बोलो टेस्टिंग में तो टाइम लगेगी। अब डिपार्टमेंट को लगता है कि यार जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक गुड्स यहाँ पे पड़ा रहेगा क्या? हाँ आपको पता हमारे डॉक में तो जगह ही नहीं है, तो जब तक केमिकल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक गुड्स पड़ा नहीं रह सकता, गुड्स को जल्दी से जल्दी हटाना है। तो हम लोग बोलेंगे देखो भाई साहब अभी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का तो टेस्ट कराना है, उस टेस्ट का रिपोर्ट आने में 20 दिन लग जाएगा, तो 20 दिन तक गुड्स तो पड़ा नहीं रहेगा, एक काम करिए आप एक बार 15 लाख रुपया दे दीजिए और गुड्स ले जाइए, फिर टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तब हम आपसे फाइनल असेसमेंट करके डिफरेंशियल ड्यूटी और ले लेंगे। तो अभी उन्होंने क्या किया, एक बार प्रोविजनल असेसमेंट। तो दिस इज द अनदर रीजन व्हाई द गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, बिकॉज दे फील द पीओ इज ऑफ द ओपिनियन नीड सम टेस्टिंग एंड द टेस्ट। नंबर नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ने आपसे इंफॉर्मेशन ली, डॉक्यूमेंट्स मांगे और अभी तक आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, आपने अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए। अब डिपार्टमेंट बोल रहा है भैया कब दोगे डॉक्यूमेंट्स? बोला सर हमारा ब्रांच में फंसा हुआ है तो इतनी टाइम लगेगा। बोले इतनी टाइम लगेगा माने? बोले इटा तो हमारे भुवनेश्वर ब्रांच से आज डॉक्यूमेंट्स कागज लो, तो कागज को लाने में डॉक्यूमेंट्स को लाने में टाइम लगेगा, तो सर इतना देर सामान तो यहाँ पे रहेगा नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट। बात क्लियर? दिस इज द थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन क्या था, आप खुद ही बोले। दूसरा रीजन क्या था, केमिकल टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरा रीजन क्या है कि आपने तो सेल्फ असेस कर दिया लेकिन जब हम आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हो डॉक्यूमेंट्स देने में टाइम लगेगी, तो फिर हमें प्रोविजनल असेसमेंट। पॉइंट नंबर सी में क्या है कि जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने सारी टेस्ट रिपोर्ट दे दी लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट को अभी और इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट है, पीओ को लगता है कि नहीं द गुड्स नीड मोर इन्वेस्टिगेशन मोर इंक्वायरी, प्रोविजनल असेसमेंट किया जाए। तो देयर आर फोर रीजन, या तो आप खुद बोल दिए कि मेरे से सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, दूसरा आप टेस्ट रिपोर्ट का में वेट करना पड़ेगा, तीसरा आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हो, चौथा आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए रिपोर्ट भी आ गई लेकिन अभी डिपार्टमेंट को लगता है और इंक्वायरी करना बाकी है। इन सब केसेस में डिपार्टमेंट आपका प्रोविजनली असेसमेंट कर देगा,
बात ले आगे बढ़े। ये सारे पॉइंट पहले भी थे, ये अमेंडमेंट नहीं आया, अमेंडमेंट 1A में आया। ठीक है, वे आर पर्सुएंट टू द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 18 इफ एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द पीओ फॉर फाइनल असेसमेंट देन द इंपोर्टर एक्सपोर्टर एज द केस में बी शैल सबमिट सच डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन विद इन सच टाइम एंड द पीओ शैल फाइनलाइज द पीए विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेसेंट। यानी प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद और फाइनल असेसमेंट के पहले, यानी फाइनल असेसमेंट करने के लिए यदि प्रॉपर ऑफिसर को और डॉक्यूमेंट चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपसे और डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और यदि वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है तो आपको 15 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे। कितने दिन के अंदर? 15 डेज। और 30 दिन के अंदर वो लो आपका असेसमेंट, 30 दिन के अंदर मतलब ये टाइम लिमिट बढ़ाई जा सकती है, 30 दिन तक ये टाइम लिमिट बढ़ सकती है। एंड जब ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इनको कंसिडर करके वो आपका फाइनल असेसमेंट करेंगे। ऑब्वियसली फाइनल असेसमेंट में ड्यूटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ गई तो आपको ड्यूटी और देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, और घट गई तो आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। इस रिगार्ड में मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे साथ ये फाइल भी देख लो। आप मेरे साथ ये फाइल भी देख, यदि फाइनल में ड्यूटी बढ़ी, फाइनल असेसमेंट करते समय ड्यूटी बढ़ी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट 15% पर एनम। कब से? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस एंड टिल द पेमेंट थereof। जिस दिन आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ के बिगनिंग से लेके जब तक आप वो ड्यूटी क्लियर नहीं करते, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये आप ध्यान से समझ लो, 15% तो बच्चों को याद रहता है, ये याद नहीं रहता कहाँ से कहाँ तक। तो जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ के बिगनिंग से लेके टिल यू क्लियर योर ड्यूज, यदि आपकी ड्यूटी घट गई तो आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट विद इन थ्री मंथ्स ऑफ द फाइनल असेसमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन यदि 3 महीने में आपको इंटरेस्ट का पैसा, सॉरी 3 महीने में आपको रिफंड का पैसा नहीं मिला तो फिर 6% इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा 3 महीने के बाद। तो पहली बात बच्चों समझ लो, यदि ड्यूटी इंक्रीज हुआ तो आपको 15% इंटरेस्ट देना रहेगा, और ड्यूटी रिड्यूस हुआ तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि रिफंड का केस आया तो 3 महीने के अंदर रिफंड आ जाना चाहिए, नहीं तो 3 महीने के बाद से 6% पर एनम इंटरेस्ट लगना शुरू हो। बात क्लियर? ओके, यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट की बातें हो रही है। यदि आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ और डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है प्रोविजनल असेसमेंट के बाद, देन सच इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट शैल बी मेड अवेलेबल बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और पीए और द डेट ऑफ रिक्विजिशन। भाई डिपार्टमेंट ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, आप इंफॉर्मेशन नहीं दिए, बोले वो डॉक्यूमेंट तो भुवनेश्वर ब्रांच में है, वहाँ है, यहाँ है, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है भैया अभी हम पीए कर देते हैं। तो पीए होने के 1 महीने के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स लाके देना पड़ेगा, पहली बात। अब सपोज पीए हो गया उसके बाद हमने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, इन दैट केस जिस दिन हमने आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगी वहां से 1 महीने के अंदर वो आपको इंफॉर्मेशन लाते देंगे। द पीओ सेल विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ द इंपोर्टर और एक्सपोर्ट इन राइटिंग द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश द डॉक्यूमेंट्स टू बी पीए के बाद प्रोविजनल असेसमेंट के बाद 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन और मांग सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर सेल विद इन 15 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, सच ऑर्डर मतलब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर आपसे और इंफॉर्मेशन मांग सकता है और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ये टाइम लिमिट पीओ में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ अ फर्दर एक्सीडिंग टाइम एक्सीडिंग 3 मंथ्स नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी पीओ आपसे ये टाइम बढ़वा सकता है। पीओ में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ अ फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स ऑन इट्स ओन और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर और इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट मेड अवेलेबल। तो यहाँ पे जो आपको टाइम लिमिट दी हुई थी 8 महीने की, ये 8 महीने की टाइम लिमिट 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है। तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ये लोग चाहे तो आपकी टाइम फिर से 3 महीना और बढ़ा सकते। तो नॉर्मली टाइम लिमिट थी 8 महीना, पीओ को 3 महीना बढ़ा सकता है और एसी डीसी और जॉइंट कमिश्नर इसको फर्दर 3 मंथ्स बढ़ा सकते। कमिश्नर कमिश्नर चाहे तो इसको फिर से बढ़ा सकता है, एक्सटेंड द टाइम। कमिश्नर चाहे तो इसको फिर से बढ़ा सकता है, ये जो टाइम थी ना इसको कमिश्नर फिर से बढ़ा सकता है, कितना एज ही टीम फिट। यानी देखो टाइम लिमिट का क्या व्यापार है, ध्यान से सुन लो बच्चों, टाइम लिमिट का व्यापार समझ लो। आज पीए हुआ या तो पीओ प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट के पहले से ही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है या फिर प्रोविजनल असेसमेंट के बाद मांग रहा है। यदि प्रोविजनल असेसमेंट के पहले से ही मांग रहा है तो जिस दिन, मेरा हाथ नजर आ रहा, या तो प्रोविजनल असेसमेंट के पहले से ही मांग रहा है, यदि प्रोविजनल असेसमेंट के पहले से ही मांग रहा है तो पीए होने के 1 महीने के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी, ये इंफॉर्मेशन 1 महीने के अंदर देनी है। इस टाइम लिमिट को 3 महीने बढ़ाया सकता है एसीडीसी, सॉरी पीओ, और 3 महीने बढ़ा सकता है एसीडीसी जॉइंट कमिश्नर, और उसके बाद कमिश्नर बढ़ा सकता है एजीडीसी। तो पीए होने के पहले से जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इंफॉर्मेशन 1 महीने के अंदर आपको देनी है, 3 महीने पीओ बढ़ा सकता है, 3 महीने एसीडीसी जैसी बढ़ा सकते हैं और बढ़ाया जा सकता है भाई कमीशन। बात क्लियर? प्रोविजनल असेसमेंट हो गया उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो प्रोविजनल असेसमेंट होने के 15 दिन के अंदर पीओ को जो जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए वो उससे मांगेगा। कौन मांगेगा, किससे मांगेगा? पीओ मांगेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर से मांगेगा। प्रोविजनल असेसमेंट होने के 15 दिन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मांगी, जब वो उसने मांगा, जब उसने वो डिमांड किया, वहां से 1 महीने के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। टाइम लिमिट एसीडीसी 3 महीने बढ़ा सकता है, टाइम लिमिट जॉइंट कमिश्नर पीओ 3 महीने बढ़ा सकता है, एसीडीसी 3 महीने बढ़ा सकता है, और जॉइंट कमिश्नर जितना कमिश्नर चाहे जितना बढ़ा सकता है। इस चार्ट को आप देखो, इस चार्ट को ये टाइम लिमिट कौन बढ़ा सकता है, कितना बढ़ा सकता है। 8 महीने की टाइम लिमिट नॉर्मली होती है, पीओ 3 महीने बढ़ा सकता है, एसी डीसी और जॉइंट कमिश्नर 3 महीने बढ़ा सकते हैं, कमिश्नर फिर बढ़ा सकता है एज ही टीम फिट। यस सर, आप इसको लैपटॉप पर भी देख सकते। ओके ओके, तो दिस टाइम लिमिट को लेकर कोई एमसीक्यू बन सकता है, ये टाइम लिमिट वाइटल है, आप लोग को एक बार थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना चाहिए। वैसे है बहुत सिंपल, किसी के मन में कोई टाइम लिमिट याद नहीं हुआ वाली प्रॉब्लम है तो मुझे बता, ये मत बोलो हाँ सर पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, याद हो जाना चाहिए अभी। सर एक बार फिर से बोलिए, हम लोग देखते हमें याद हुआ कि नहीं, ठीक है। पहले बताइए किसको ऊपर टाइम लिमिट की बाउंड्री आ रही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर की प्रॉपर ऑफिसर को? तो पहले हम लोग टाइम लिमिट की बाउंड्री की बात कर रहे हैं जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, तो डिपार्टमेंट जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे
भैया कि टाइम लिमिट वाला व्यापार आपको क्लियर हो। पूरा रेनी सीजन है हमारे हावड़ा में, पूरा रेनी मौसम बना हुआ है, अभी बहुत जोर का बारिश आने वाला है। ऐसे में नेट प्रॉब्लम हो सकता है हावड़ा वालों को हो रही है। तो वीडियो नहीं आ रहा है जो पूजा तिग्रवाल बोल रही है, तो मैडम यह आपके पर्सनल इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। वाह अंकित जैसल, आपको सुने नहीं हो, मैं रिपीट करूं, वाह तो बात हुआ। बोलता हम कुछ सुना ही नहीं, वापस से बोल दिया। नहीं और वाह अंकित जायसवाल, हाँ बोलता हम नहीं सुने, आप कालिया हो, जब आप सुनेंगे तब हम लोग बोलेंगे। अरे ऑडियो प्रॉब्लम तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, वो तो रेनी सीजन में प्रॉब्लम होनी है, तो रेनी सीजन में प्रॉब्लम होनी है भाई, क्या करें। आओ सुसु करेंगे, आप रुक, आप सुसु करेंगे, आप अपो बाबू, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम दोबारा बोले। हाँ इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको जरूर देंगे, वहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। भाई जिन्होंने सुना और जिनकी प्रॉब्लम रह गई प्लीज वो बोलो, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हमारे ऊपर प्लीज एक बार मत डालो, बहुत लोड हो जाएगा। अरे लास्ट वाला क्या, ओके मतलब नो प्रॉब्लम, जिनकी भी प्रॉब्लम है वो लोग बोल रहे रिपीट करो, रिपीट वाला भैया रिपीट, मेरा वीडियो कर देगा रिपीट, मैं नहीं करूंगा। तो असेसमेंट टॉपिक में भैया तीन असेसमेंट पाए, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक था डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, ये आप YouTube में देखना। दूसरा असेसमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 17, वो मैंने आपको कराया। फिर सेक्शन 18, तो सेक्शन 18 दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट। इस तरीके से तीन आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन करने हैं। इस साल आप समझ लीजिए असेसमेंट से कुछ ना कुछ आएगा, पक्का है। तो थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देख लिए। हम लोग आगे अगले टॉपिक में जिसका नाम है सेक्शन 46, 41, ओ नहीं, 46, 46 एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन। एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन व्हाट इज इट, आप लोग सब रेडी हो तो मैं शुरू हो जाऊं। बिल ऑफ एंट्री में लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन देना रहता है कि ऑल इंफॉर्मेशन गिवन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये डिक्लेरेशन आप सभी फॉर्म्स में भरते ही हो, जो भी फॉर्म्स आप भरते हो उसमें आपको भरना पड़ता है। जैसे कोर्ट में जाते हो फिर लिखते हो ना, मतलब बोलते हो ना, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये लिटरली आज की डेट में एक बड़ी फॉर्मेलिटी है, वैसी एक बड़ी फॉर्मेलिटी है कि अब आप कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स भरेंगे तो आप नीचे डिक्लेरेशन देंगे कि मैं कह रहा हूं कि
कि मैंने जितनी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भरी है ऑल आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब इसी पॉइंट पे इन्होंने एक हल्का सा अमेंडमेंट ला दिया, इन सपोर्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन द इंपोर्टर एक्सपोर्टर शैल प्रोड्यूस टू द प्रॉपर ऑफिसर द इनवॉइस इफ एनी रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स। ऐसा ही एक पॉइंट एक्सपोर्ट में भी आया, तो एक्सपोर्टेड गुड्स भी आएगा इंपोर्टेड गुड्स भी। तो आप जब बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल भरेंगे तो जहां पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप एक इनवॉइस जो आपने इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट पे जो आपको इनवॉइस मिला वो, यदि आप एक्सपोर्ट करें तो आप अपने बायर को जो इनवॉइस दे रहे हो इनवॉइस की कॉपी आप अटैच करेंगे। क्यों? द इंपोर्टर हु प्रेजेंट्स अ बिल ऑफ एंट्री शैल इंश्योर द फॉलोइंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी डॉक्यूमेंट, कि मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स इस बिल ऑफ एंट्री के साथ सब अटैच किए हैं सब ऑथेंटिक है और सब वैलिड है। एंड मैंने कस्टम लॉ की और भी जो जो लॉ इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रेलिवेंट है उन सब का मैंने अबाइड किया है, मैंने उन सारे लॉ को फॉलो किया है। कंप्लायंस विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रोहिबिशन इफ एनी रिलेटिंग टू गुड्स अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा कि इंफॉर्मेशन गिवन आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, डॉक्यूमेंट्स गिवन आर ऑथेंटिक एंड वैलिड, एंड ऑल द लॉज व्हिच आर रेलिवेंट फॉर दिस इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन हैव बीन प्रॉपरली कंप्लाई विद, सारे लॉ को मैंने फॉलो किया। बहुत बहुत ही वाइटल अमेंडमेंट तो नहीं है, ठीक ठाक ही था, बस एनी हाउ आप सेक्शन 46 के डिक्लेरेशन पॉइंट पे ये तीन बातें ध्यान। यदि टफ पेपर बनाने का मूड हुआ तो ये पूछ सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं। इंटर फाइनल दोनों के सिलेबस में ये सेक्शन है, ठीक है। आप जब बिल ऑफ एंट्री भरते हो तो डिपार्टमेंट उसको असेस करता है और एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। Such order may also be made electronically through the custom automated system on the basis of risk evaluation, where the PO is satisfied that any goods entered for home consumption are not prohibited and importer has paid the import duty assessed thereon and any charge payable under this act in respect of the same, PO may make an order permitting clearance for home consumption. So, jo clearance order importer pass karega, sorry. क्लियरेंस ऑर्डर जो प्रॉपर ऑफिसर पास करेगा वो क्लियरेंस ऑर्डर वो इलेक्ट्रॉनिकली भी पास कर सकता है थ्रू द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया। भाई कस्टम डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपने बिल ऑफ एंट्री पार डाली और वहां पे आपका क्लियरेंस ऑर्डर आ गया, यहाँ पे आपने बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन भरी और वहां पे आपका ऑनलाइन क्लियरेंस ऑर्डर आ गया इमीडिएट। ये बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। अब ये ऑटोमेटेड सिस्टम में किस बिल ऑफ एंट्री को डालना है और किस बिल ऑफ एंट्री को पर्सनली चेक करना है ये तो डिपेंड करता है ना कि रिस्क इवैल्यूएशन। रॉबिन, मैंने रिस्क इवैल्यूएशन क्लास में बताया था सबसे पहले कि भाई मैंने 100 बच्चों को होमवर्क दिया तो अगले दिन 100 बच्चों की कॉपी थोड़ी चेक कर पाऊंगा, किसी 7-8 की कॉपी चेक करूंगा देखने के लिए ये सारे बच्चे होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, तो मैं किसको सिलेक्शन करूंगा। वैसे ही यदि एक दिन में 1000 बिल ऑफ एंट्री आती है तो कस्टम डिपार्टमेंट 1000 बिल ऑफ एंट्री को तो चेक नहीं कर पाएगा, तो किस बिल ऑफ एंट्री को वो उठाएगा और चेक करेगा और किस बिल ऑफ एंट्री को सेल्फ इवैल्यूएशन में डाल देगा ऑटोमेटेड में डाल देगा ये डिपेंड करता है कि किस बिल ऑफ एंट्री में अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है, किस बिल ऑफ एंट्री के इंपोर्टर का पास ट्रैक अच्छा नहीं है, इसी को हम लोग बोलते भैया रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो आपको समझना चाहिए इस अमेंडमेंट से
कि कस्टम डिपार्टमेंट बिल ऑफ एंट्री डालने के बाद क्लियरेंस ऑर्डर को भी ऑटोमेटेड सिस्टम में डालने के लिए रेडी है। अब ऐसा ही हो सकता है कि यदि आप एक जेन्युइन रेगुलर इंपोर्टर है तो यहाँ आपने बिल ऑफ एंट्री भरी और वहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम यानी मशीन के वाया ही आपका क्लियरेंस ऑर्डर आ गया, यानी काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया। ये बड़ी बात है कि कस्टम डिपार्टमेंट क्लियरेंस ऑर्डर को भी ऑटोमेटेड सिस्टम में डालने के लिए रेडी डालेगा, डाल रहा है। बात क्लियर? हाँ, कुछ एक को वो चेक करे डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। आप हाँ बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, दोनों ही वाइटल नहीं थे, 46 47 दोनों ही बकवास सेक्शन थे। आप सेल्फ स्टडी करते तब भी आप परेशान हो जाते, इसलिए मैंने आपको क्लास में बता दिया कि व्हाट इज इट। ऐसा इंपोर्ट में भी है, ऐसा ही एक्सपोर्ट में। हाँ बोलो तो आगे बढ़ो। सेक्शन 41 में जो अमेंडमेंट आया है वो हमने यूट्यूब में डाला है, मतलब जितने भी टफ और इम्पोर्टेंट है ना वो मैंने यूट्यूब में कवर किए है टफ वाले, ताकि मैं एकदम और एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम, किसी का साउंड प्रॉब्लम। अमेंडमेंट टू फ्लो पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट, ये जो मैंने आपको बताया ना ऊपर 41 में जो पढ़ाया था वही का वही पॉइंट एक्सपोर्ट में भी आया है। तो वही 41 वाले पॉइंट जो इंपोर्ट से रिलेटेड थे वही एक्सपोर्ट में भी है। 46 में पढ़ा रखना सेल्फ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये जो है ना ये वाला, ये अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे। ड्यूटी ड्रॉबैक में छोटा सा अमेंडमेंट आया है जो कि यूट्यूब में डाला हुआ है। वेयर हाउसिंग का एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है जो कि कोई रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम में कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको ग्रे रिलेटेड कर दिया। आप सेल्फ स्टडी कर लेना। तो खास नहीं, बकवास अमेंडमेंट है वेयर हाउस वाला। हाँ, पोस्ट में मैं आपको सीधा वो लेते जाता हूं जो रेलिवेंट है और काम का है। सर्च एंड सीजर में अमेंडमेंट है लेकिन वो सिर्फ फाइनल वालों के काम का है, इसलिए थोड़ी देर बाद उठाऊंगा ताकि इंटर वाले बच्चे रिलैक्स होकर घर जाएंगे। अभी मैं वो उठा रहा हूँ जो इंटर फाइनल दोनों में काम का है। ये जितने ब्लैक लेटर्स है सब यूट्यूब में डाले हुए हैं, जितने भी ग्रे लेटर्स है सब आपको अपने आप पढ़ना है और ये मुझे पढ़ाना है। दिस इज ड्यूटी ड्रॉबैक यूट्यूब में है सहज। हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब में डाला। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है सर्विस ऑफ नोटिस, इजी है और आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। डिपार्टमेंट आपको नोटिस कैसे देगा, डिपार्टमेंट आपको समन कैसे देगा, डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर कैसे पास करेगा, ऑर्डर पास करने के बाद आपके पास वो ऑर्डर कैसे पहुंचाएगा, ये सब छोटी छोटी बातें आ रही है, ये सब छोटी छोटी बातें आ रही है। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने भी इस बात क्लियर कर दिया कि हम आपके पास नोटिस की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, समन की कॉपी कैसे पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे पास 5 तरीके। पहला, हम आपके एड्रेस पे जाके आपको डायरेक्ट डिलीवरी कर देंगे, टेंडरिंग इट डायरेक्टली टू दी एड्रेस, यानी आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है या जो भी आपका रेसिडेंस का एड्रेस हमारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है वहां पे डिपार्टमेंट का पर्सनली बंदा जाके ये ऑर्डर की कॉपी आपको हैंड ओवर कर दे। आप मिले तो ठीक, नहीं तो आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को, आपके किसी एम्प्लॉय को या आपके किसी लॉयर को या आपके किसी फैमिली मेंबर को पर्सनली जाके हम लोग दे देंगे। फैमिली मेंबर में बच्चे को नहीं देंगे, अडल्ट मेंबर को देंगे। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका कि आमी अपना बाड़ी पे से अपना के दिए जाऊं।
आई विल कम टू योर एड्रेस एंड आई विल पॉज इट, आई विल हैंड ओवर, ये क्लियर। दूसरा है कि डिपार्टमेंट चाहे तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या कुरियर विथ एक्नॉलेजमेंट के तरीके से आपको दे सकते हैं। यानी डिपार्टमेंट क्या कह सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर विथ एक्नॉलेजमेंट। कौन से एड्रेस पे, कौन से एड्रेस पे, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या आपके रेसिडेंस, इन दो जगह डिपार्टमेंट आपको कुरियर भी कर सकता है। आज से 500 साल पहले कुरियर नहीं होता था, अब होने लगा। ये जो आज की डेट में चल रहा है वो ये है, ये पॉइंट नंबर सी। डिपार्टमेंट आपको ईमेल कर सकता है, डिपार्टमेंट असल ऐसी बेस है, न कुरियर करता है न कुछ, डिपार्टमेंट पैसे बचाता है, कोई कुरियर नहीं, बस ईमेल होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट चाहे तो आपको ईमेल कर सकता है एट योर ईमेल एड्रेस जो कि आपने डिपार्टमेंट को दिया था, या फिर आपके लेटर हेड में जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपके इनवॉइस में जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपके कोई भी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में यदि कोई ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो उस ईमेल एड्रेस पे हम लोग आपको मेल करते हैं। तो सपोज डिपार्टमेंट ने आपको एक, आपने जो लेटर हेड में ईमेल दिया था वो उसमें डिपार्टमेंट ने आपको मेल कर दिया, और आप बोल रहे हो वो तो अभी हम ईमेल यूज नहीं करता, तो भैया वो आपका प्रॉब्लम है। आपके लेटर हेड में वो ईमेल था, डिपार्टमेंट ने उस ईमेल पे आपको नोटिस दे दी, मतलब वैलिडली नोटिस देना हो। यदि डिपार्टमेंट चाहे तो एक और तरीका है, पब्लिक न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कर दो। सपोज आपसे डिपार्टमेंट को 70 करोड़ रुपए पाने हैं, डिपार्टमेंट आपके घर पे वो नोटिस लेके आया, ऑर्डर लेके आया, आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिपार्टमेंट चला गया। डिपार्टमेंट ने आपको स्पीड पोस्ट दिया, आपने एक्नॉलेज नहीं किया, डिपार्टमेंट चला गया। डिपार्टमेंट ने आपको ईमेल भेजा, आपने अभी तक वो ईमेल देखा ही नहीं है। अब डिपार्टमेंट चाहे तो न्यूज़पेपर में भी डाल सकता है कि भाई साहब आप तो बहुत टटोल रहे, आप मिल नहीं रहे हो, तो मैंने न्यूज़पेपर में नोटिस दे दी। तो न्यूज़पेपर में जो नोटिस देना हो गया वो भी वैलिड नोटिस, न्यूज़पेपर वाइडली सर्क्यूलेट इन द लोकैलिटी इन विच द पर्सन इज रेसाइडिंग और कैरिंग बिजनेस। या फिर डिपार्टमेंट आके आपके ऑफिस में या आपके रेसिडेंस पे किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे नोटिस चिपका के भी जा सकता है, या ऐसे चिपका के चला जाए, सटा के चला जाए, समझ रहे, अफिक्सिंग इट इन सम कंस्पिकुअस प्लेस। तो इसको भी ये बोला जाएगा भैया नोटिस वैलिडली देना हो। तो डिपार्टमेंट के बंदे आए आपके घर में, आपको मालूम पड़ गया, आपने खिड़की से देख लिया डिपार्टमेंट के बंदे आ रहे हैं, उन्होंने घंटी बजाई टिंग टोंग, आपने अपने वाइफ को बोल दिया भाग्यवान खोलना ही मत, भाग्यवान ने नहीं खोला चिंटू ने खोला, चिंटू आते दरवाजा खोल दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर ने वो नोटिस दिया आपको, तो चिंटू बोला पापा तो नहीं है, और आपकी वाइफ ने बोला नहीं वो तो है ही नहीं, हम लोग लेंगे नहीं सर, ना ना हमें तो डर लगता है, हम नहीं लेंगे सर। तो डिपार्टमेंट ऐसे में आपके दरवाजे के आगे उसको साट के चला जाएगा और ये बोला जाएगा नोटिस वैलिडली सर्व्ड। तो ये सब बोलने से नहीं चलेगा चिंटू के कि पापा घर पे नहीं है, समझे। तो दीज आर द फाइव वेज डिपार्टमेंट कैन सर्व द नोटिस। ये पॉइंट पहले से ही जीएसटी लॉ में थे, ये सारे पॉइंट इनकम टैक्स में पहले से ही है, अब ये पॉइंट कस्टम लॉ में नए नए आते। So these are the very popular points, लेकिन ये पहले कस्टम लॉ में नहीं थे, कस्टम एक्ट लिए अमेंडमेंट। आई होप सारी बातें क्लियर, आप हाँ बोलो तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। रिकवरी चैप्टर में अमेंडमेंट है, लेकिन रिकवरी चैप्टर सिर्फ फाइनल वालों के लिए रेलिवेंट है, इसलिए मैं उसको थोड़ी देर बाद उठाता हूँ। एक टॉपिक और करता हूँ फिर मैं इंटर वालों को रिलीज कर पाऊँ। एंटर वाले ध्यान रखना, जो मेजर अमेंडमेंट है ना, मेजर मेजर जो अमेंडमेंट है वो सारे अमेंडमेंट YouTube में डालेगा। आप इस 34 पेज को देख रहे ना, इसमें से आपके लिए काम के करीबन 25 पेज, इस 25 पेज में से जो ज्यादातर अमेंडमेंट है 18-17 पेज की, वो मैंने YouTube में डाला।
तो आप एकदम मत सोचना कि ये जो आपने क्लास की इससे आपके सारे अमेंडमेंट कवर हो, नहीं, ये क्लास प्लस यूट्यूब वाला। एडवांस रूली में बहुत अमेंडमेंट आए हैं, ये भी मैंने यूट्यूब में डाले हैं भर भर के, ये तो चैप्टर ही नया बन गया समझ लीजिए। सेक्शन 99A ऑडिट, ये बड़ा ही वाइटल है और ये इंटर वालों के साथ आज नया लास्ट है, उसके बाद हम लोग से फाइनल वालों से मिलेंगे। ये सेकंड होल्ड करना, मेरा ब्लू परेशान कर रहा है। ए ब्लू, हाँ तो फाइनली, अरे कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चों, संध्या प्लीज कीप योर वीडियो ऑफ, शुभम जी किसी को बोल रहे हैं, क्यों शुभम जी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई के समय? हाँ मैं तो किसी का वीडियो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो खाली अपना वो देख रहा हूँ क्या स्क्रीन। अरे जोत था यार, शहर की लड़की। ऑडिट बोल के नया सेक्शन आया, सेक्शन 99A। सेक्शन 99A एक छोटा सा सेक्शन आया है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, वाइटल है, एक बार इसको देख लो सिलेबस में है कि नहीं है, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पहले क्या था, ये ऑडिट असेसमेंट चैप्टर में मर्ज था, असेसमेंट चैप्टर आप लोग के सिलेबस में है इंटर वालों। अब क्या हुआ, असेसमेंट चैप्टर को से हटा के इस ऑडिट को एक अलग सेक्शन दे दिया गया, पहले सेक्शन 17-18 में कवर था, अब इसको सेक्शन 17 से हटा के इसका एक अलग सेक्शन बना दिया सेक्शन 19, सेपरेट प्रोविजन फॉर द ऑडिट। तो चीज तो वही है लेकिन सेक्शन चेंज हो गया, इसलिए एग्जाम्स में रेलिवेंट है और सिलेबस में है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप 99A ध्यान रख लीजिए, 99 का फिर एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, 99 का फिर, 99 का फिर, 99 का फिर एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, 99 का फिर। और ए, ए मतलब ऑडिट, 99A ऑडिट, ठीक है। तो 99% प्रोबेबिलिटी पे एग्जाम में आएगा, इसलिए हमने इसका सेक्शन कर दिया 99A। 99 प्रोबेबिलिटी पे आएगा, ए से आएगा 99A, 99A क्या है, द प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ असेसमेंट of imported goods or exported goods of an oddity under this act. Under this act, either in his office or in his premises of the oddity in such manner as may be prescribed. So, प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट कंडक्ट करेगा। सबसे पहले आप ये समझिए, ये ऑडिट सीए सीएस सीएमए कंडक्ट नहीं करते, ये ऑडिट, ये ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर कंडक्ट करता है, पहला पॉइंट क्लियर सबको। दूसरा, ये ऑडिट आपकी प्रीमाइसेस में भी हो सकता है और डिपार्टमेंट के यहाँ पे भी हो सकता है, डिपार्टमेंट अपनी ऑफिस में भी कर सकता है चेक इट, और इन द प्रीमाइसेस इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भी कर सकता है, तो ये कहीं पे हो सकता है। तो पीओ में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ असेसमेंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और इन ऑफ एन ऑडिटी अंडर दिस एक्ट, और अंडर दिस एक्ट
either in his office or in the premises of the auditee in such manner as may be prescribed. तो पहली बात, ये ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये ऑडिट ऑफ असेसमेंट है। वर्ड ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मली ऑडिट बोलने के साथ ही बच्चे लगा देते हैं ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ये ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी है, ये ऑडिट ऑफ असेसमेंट है, ऑडिट ऑफ असेसमेंट है, समझे? तो आपको वर्ड ध्यान रखना, ऑडिट ऑफ असेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स और एन ऑडिटी और ऑफ एन ऑडिटी अंडर दिस एक्ट either in his office or in the premises of the auditor. okay uske baad kuch definition di hui yahan pe, wo definition aap ghar pe padh lena, koi khas baat nahi hai. auditee kise kehte hai, audit kise kehte hai, audit report kise kehte hai, electronic record kise kehte hai, premises kise kehte hai. acha department wale aapke yahan audit karne aaye और आपने बोल दिया हमारे पास तो पेपर ही नहीं है, आपने बोला भैया पेपर नहीं है मतलब, बोलो पेपर तो हम लोग का इंपोर्ट हो गया, उसके बाद हम लोग पेपर फाड़ के फेंक दिए, तब हमारे पास राधे माई टॉक कर, तो भाई वो पेपर तो हमारे पास नहीं है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा सुनिए बकवास मत करने पड़ते, चाहे वो 5 years तक आप फिजिकली मेंटेन करिए या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करिए, लेकिन 5 साल तक मिनिमम आपको इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है. तो पहली बात आपको क्लियर हो, ऑडिट करने के लिए डिपार्टमेंट के बंदे आए तो आप बोले आइए क्या करना है, बोला ऑडिट करना, बोले करिए, बोला लैपटॉप दीजिए, तो आपने बोला अभी तो हम काम कर रहे हैं आपको कैसे दे, तो डिपार्टमेंट बोलेगा आप अपना काम बाद में करिएगा, पहले मेरे को लैपटॉप दीजिए, तो आप बोले आप अपना काम बाद में करिएगा, बैठिए चाय मंगा देते हैं, तो भाई बकवास मत करो, अपनी चाय अपने पास रखो. ऑडिटी सेल रेंडर असिस्टेंस, आप ध्यान रखिएगा, यू आर सपोज टू असिस्ट हिम, अपनी ग्रेड पहचान लो, आप असिस्टेंट हो उसके. The auditee shall render assistance and shall in no case refuse or obstruct the proper officer or his team of officer in discharge of their official duty. उनके काम करने में आप कोई भी distractions नहीं करेंगे और उन्हें जितना हो सके assistance देंगे, आप कोई refusal नहीं कर सकते. सर कर दिए तो क्या करेंगे, नीचे है भैया penalty के provisions, 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना, बकवास मत करो, चाय का दाम 50,000 पड़ जाएगा, मोदी चाय बन जाएगी भाई. आओ, प्रॉपर ऑफिसर मे कंडक्ट ऑडिट इधर इन हिज ऑफिस और एट सर्टेन प्लेसेस ऑफ दी और एट दी प्रीमाइसेस ऑफ दी ऑडिटी, ये मैंने आपको पहले ही बताया. The proper officer may request the auditee to furnish such document, information, record, including e-records as may be relevant for audit. वो तो obvious ही बात है. पहला दोनों point बकवास. पहला आपको पहले से पता था. दूसरा obvious ही बात है. तीसरा ये काम क्यों? Proper officer आने से पहले 15 दिन advance में आपको notice दे कि हम लोग आ रहे हैं. 15 दिन एडवांस में नोटिस दे दिया ताकि आप लोग जो जो पेपर्स रेडी करने हैं आप अपना रेडी कर लीजिए, जहां भुवनेश्वर ब्रांच से या उस ब्रांच से पेपर मंगाने हैं मंगा लीजिए, 15 दिन के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे. तो 15 दिन की एडवांस नोटिस देगा कम से कम. हो सकता वो ये भी बोलते हम लोग 20 दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि हम लोग 10 दिन बाद आ रहे हैं. कम से कम 15 दिन की नोटिस देगा. प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट करने आ रहे हैं, ऑडिट करने का मतलब लोग ये समझते हैं कि वो ऑडिट अकाउंट्स का करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का करेगा, लेकिन ये प्रॉपर ऑफिसर आया और आते ही बोला गोडाउन खोलिए, मैं तो गोडाउन देखना. आप बोलेंगे भैया ऑडिट करिए, गोडाउन क्यों फिर चेक करेंगे, तो भैया चेक कर, सुन लो आप, प्रॉपर ऑफिसर मे इंस्पेक्ट द इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटीएबल गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिट, तो आपके गुड्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते. तो प्रॉपर ऑफिसर्स शैल इंफॉर्म द ऑडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शंस
ऑडिट करने के बाद जो जो उसके पॉइंट रेज हुए किसने, ऑडिट टीम के, वो ऑडिट टीम अपने जो जो ऑब्जेक्शन रेज कर रही है वो सब ऑडिटी को इन्फॉर्म करेगी कि ये सारे पॉइंट्स हमने रेज किए हैं, ये सारे हमारे निगेटिव क्वालिफिकेशंस आ रहे हैं, ये सब हम लोग आपको ऑडिट में ऑब्जेक्शंस है हमारे, मतलब हमें ये सब असेसमेंट में गलत मिला, वेयर द ऑडिट इज इन एग्रीमेंट विद द ऑडिट फाइंडिंग्स। यदि एसएससी को लगता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लगता है कि आपने जो जो पॉइंट रेज किए हैं वो सब सही है, आपने बोला ड्यूटी रेट 15% होनी चाहिए, मैंने 10% से दिया है, आई एग्री माई फॉल्ट, आपने बोला वैल्यू 50 लाख होनी चाहिए, मैंने 40 लाख पे दिया है, आई एग्री माई फॉल्ट, तो जो जो आपको फॉल्ट नजर आ रही है यदि मैं उससे एग्री कर रहा हूँ देन आई विल वॉलंटरीली पे द ड्यूटी, वॉलंटरीली पेमेंट कर, और वॉलंटरी पेमेंट करने के बाद उस ऑडिट रिपोर्ट में वो नोट हो जाएगा कि हमने जो जो पॉइंट रेज किया उससे सामने वाले ने मान लिया और डिफरेंशियल ड्यूटी पे। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर ने यदि आपसे कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स सैंपल मांगे तो ये आपकी जिम्मेवारी है, मैंडेटरी जिम्मेवारी है कि आप उसकी वो उन्हें प्रोवाइड करिए, और उनकी मैंडेटरी जिम्मेवारी है कि उस पेपर से डॉक्यूमेंट से उन्हें क्या मटेरियल इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन ऑडिटी को बताएं। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द प्रॉपर ऑफिसर टू इन्फॉर्म आउटकम ऑफ सच ऑडिट टू द ऑडिट। प्रॉपर ऑफिसर शैल कंप्लीट द ऑडिट वेर इट इज कंडक्टेड एट द प्रीमाइसेस विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, 30 दिन का, यदि रिक्वायर्ड हो तो कमिश्नर इस 30 दिन को 60 दिन तक बढ़ा सकता है, 60 दिन से नहीं 60 दिन तक, 30 डेज से 60 डेज तक ये हो सकता है, फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज कौन बढ़ा सकता है, कमिश्नर, लेकिन नॉर्मली 30 दिन के अंदर ये ऑडिट हो जानी चाहिए। ऑडिट करते समय यदि पीओ को लगे कि मेरे को तो ये सब पेपर समझ में नहीं आते, इसके लिए तो किसी सीए को बुलाओ, किसी सीएस को बुलाओ, किसी सीएमए को बुलाओ, तो वो चाहे तो किसी प्रोफेशनल की असिस्टेंस ले सकता है, मे बी सीए, मे बी सीएस, मे बी सीएमए, मे बी एडवोकेट, मे बी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, मे बी टेक्निकल पर्सन, किसी भी प्रोफेशनल की असिस्टेंस ली जा सकती है ऑडिट के दौरान। ऑडिट में आपने कोऑपरेट नहीं किया तो 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती। This was something relating to audit. I hope ये part आपको clear हुआ। जो बातें याद रखने की थी 15 दिन के अंदर notice देके वो आपके पास आएंगे, आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं और department में भी बुला सकते हैं, वो goods का inspection भी कर सकते हैं, जो भी information उन्हें मिली वो आपको communicate करेंगे, 30 दिन के अंदर audit complete कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60। हाँ बोलो बच्चों। इंटर के बच्चों का तो भैया सब फिनिश हो गया, सब फिनिश उनका, या तो अब यूट्यूब से वो देखेंगे और या फिर उनका हो, अब उनको मेरे साथ गो टू मीटिंग में नहीं बैठना। इंटर के बच्चे जाए तो निकल जाए, थर्सडे को हम लोग टोटल इनकम की क्लास ले मिल रहे हैं, थर्सडे ना, हाँ थर्सडे हम लोग टोटल इनकम की क्लास ले मिल रहे हैं। बाय बाय करने वालों, यूट्यूब में सारे अमेंडमेंट पढ़ लेना,
अब हम लोग को थोड़े अमेंडमेंट और करने चाहिए भैया। पूजा है कि पूजा गई? फाइनल में सीए फाइनल में ये सब सिलेबस में नहीं है जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सीए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। सर्च एंड सीजर रिलेटेड चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट है, रिकवरी चैप्टर रिलेटेड में कुछ अमेंडमेंट है, तो सीए फाइनल के बच्चे भी आराम से चले जाओ। अभी जो करने जा रहे हैं ना, ये है सीएस एंड सीएमएटी, सर्च एंड सीजर एंड रिकवरी चैप्टर। सर्च एंड सीजर में जो मेजर अमेंडमेंट है ना, वो मैंने यूट्यूब में डाले, भर भर के डाले। मेजर मतलब बहुत जोरदार अमेंडमेंट है। रिडेम्पशन फाइन में अमेंडमेंट आया है, पेनल्टी में अमेंडमेंट आया है, प्रोसिक्यूशन में अमेंडमेंट आया है। तो सर्च एंड सीजर में आपने 103 सेक्शन सुना हो? नहीं, वो पहले निकल गए थे शुभम, जैसे उसका वो इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा था ना, सी लेफ्ट। हंड्रेड थ्री सर्च एंड सीजर चैप्टर पढ़ा हुआ है। हाँ बोलो। अरे हाँ बोलो। हाँ बस एक जन बोला हाँ, बात बात एक जन सो रहे हैं नालायक को। हाँ बोलो। अरे हाँ के लिए इतना तड़पाते हो? तड़प तड़प इस दिल की आने नहीं। अरे कैसे तड़पा तड़पा के हाँ बोल रहे यार? अरे झूठा ही सही, हाँ बोल दो। ओके निकिता निकिता, टॉपिक का नाम है सेक्शन 103। इसमें क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट कस्टम पोर्ट पे खड़ा है और कस्टम पोर्ट पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कोई बंदा जो कस्टम पोर्ट पे है वो डाउटफुल है, वो डाउटफुल है। डिपार्टमेंट के पास रीजन टू बिलीव है कि इसके पास कुछ चीजें सिक्रेटेड है, कोई इंफॉर्मेशन या गुड्स इसके पास सिक्रेटेड है, तो डिपार्टमेंट उसको सर्च कर सकता है। सर्च किया तो कुछ मिला नहीं,
अब डिपार्टमेंट को ऐसा रीजन टू बिलीव है कि इसने ये सामान अपने बॉडी के अंदर छुपा के रखा है, कपड़े के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर छुपा के रखा है। तो डिपार्टमेंट क्या उसका बॉडी खोल के देख सकता है? बॉडी तो खोला नहीं जाएगा भैया, पहले एक्सरे किया जाएगा, बॉडी तो बाद में खुलेगा यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो। क्या डिपार्टमेंट उसका बॉडी का स्क्रीनिंग कर सकता है, एक्सरे कर सकता है? तो पहले प्रोविजन ये था बच्चों, यदि बॉडी की स्क्रीनिंग करनी है तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। अब प्रोविजन चेंज हो गया कि अभी तो स्क्रीनिंग ही कर रहे भाई, कौन सा ऑपरेशन? तो स्क्रीन करते समय आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाना पड़ेगा, एसीडीसी के पास एक पावर आ गया कि वो लोग भी स्क्रीनिंग ऑथोराइज कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग हो सकता है लेकिन जब एसीडीसी उसको सुपरवाइज कर। ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग के जो जो राइट्स है वो अपने उस राइट्स को यूज कर सकता है, जो उसे अदर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे जो राइट देते हैं उन सारे राइट्स को यूज कर सकता है, और लगे कि स्क्रीनिंग वैसे नहीं हो पा रही है तो एसीडीसी ऑर्डर कर सकता है और स्क्रीनिंग की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसके बाद उसकी बॉडी का ऑपरेशन का जो ऑथोराइजेशन है वो मजिस्ट्रेट के पास है। पढ़ते वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 102, ये 102 में वही बंदे हैं जो कस्टम पोर्ट पे या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं या खड़े हैं या शिप में चढ़ रहे हैं या शिप से उतर रहे हैं या शिप में खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग बंदे होते हैं उन लोग का 100 सब सेक्शन 2 में सर्च हैज एनी गुड्स liable to confiscation or secreted inside his body, he may detain such person and sell with the prior approval of ACDC, AC मतलब assistant commissioner, DC मतलब deputy commissioner, as soon as practicable, जितना जल्दी हो सके, screen or scan such person using such equipment as may be available at the custom station, but without prejudice to any of the right available to such person under any other law for the time being in force, including his consent for such screening or scan. यानी उसकी consent लेनी पड़ेगी आप, and forward a copy of such screening or scanning to the nearest magistrate if such goods appear to be secreted inside his body. और उसके बाद उस बंदे को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। तो दिस इज वाइटल अमेंडमेंट, पहले ये किसी भी बंदे की सर्च हो सकती थी, स्क्रीनिंग हो सकती थी, अब ये सिर्फ 100 में जिन बंदों का सर्च हुआ है, यानी कस्टम पोर्ट पे, कस्टम स्टेशन पे, वेसल्स के ऊपर जो बंदे खड़े हैं, चढ़ रहे उतर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बंदों की स्क्रीनिंग होगी और एसीडीसी स्क्रीनिंग का ऑर्डर दे सकता है। आई होप यहाँ तक। दूसरा अमेंडमेंट आया है 104 में। 104 में क्या था कि आप 104 डील्स विद अरेस्ट, तो कस्टम डिपार्टमेंट पहले अरेस्ट कर सकता था इन इंडिया एंड अप टू इंडियन कस्टम बॉर्डर। कहाँ तक अरेस्ट कर सकता था? इन इंडिया और अप टू इंडियन कस्टम बॉर्डर, क्योंकि यहीं तक कस्टम डिपार्टमेंट का जुरिडिक्शन है, तो ये वहीं तक किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते थे। अब सपोज एक बंदा जो स्मगलर है और वो स्मगलिंग करते करते यहाँ से यूके भाग गया, तो बताओ कस्टम डिपार्टमेंट उसको अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? भैया पहले प्रोविजन था नहीं कर सकता, लेकिन अब ये प्रोविजन आ गया कि कस्टम डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर अरेस्ट करने का पावर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इन इंडिया नहीं, एनीवेयर, सिर्फ इंडियन कस्टम बॉर्डर नहीं, एनीवेयर। अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, कस्टम ऑफिसर क्या जाके इंग्लैंड में बंदे को अरेस्ट कर लेगा? आंसर इज यस,
ऑब्वियसली इंग्लैंड की पुलिस ऑफिसर्स को साथ में ले थी, लेकिन पहले जो प्रोविजन था उसमें तो ये था कि आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। तो इंग्लैंड की पुलिस आपको कोऑपरेट कर भी रही हो तब भी आप अरेस्ट नहीं कर पाए। अब प्रोविजन आ गया कि इंग्लैंड की पुलिस ऑफिस आपको कोऑपरेट करे तो आप कस्टम ऑफिसर्स उसको 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 अरे बोल ही नहीं रहे हो उसको अरेस्ट कहीं पे भी अरेस्ट कर सकते। चलो भैया आगे बढ़े, अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास लाएंगे वो अलग बात। ये दो छोटे छोटे अमेंडमेंट है जो YouTube में नहीं बना पा रहा था तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिए। बात बाकी जो बड़े अमेंडमेंट है वो सारे YouTube के वीडियोस में अवेलेबल है, ठीक है ना। आप लोग ने मेरे YouTube के 3 वीडियो देख लिए थे, अभी मैंने 3 ही डाले हैं। देख लो भाई कस्टम में इस साल अमेंडमेंट भरपेट है, जो भी आएगा अमेंडमेंट से है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज अमेंडमेंट्स। देख लो कितना भर भर के है, सब ब्लैक लेटर्स। I'm searching for blue letters. Right. एक सेकेंड बच्चों, रीका भी चैप्टर निकालता हूँ। ये रिकवरी चैप्टर में हल्का सा एक अमेंडमेंट आया है। रिकवरी चैप्टर आपने सुना होगा जैसा जीएसटी में है वैसे ही कस्टम में भी रिकवरी चैप्टर है कि भाई डिपार्टमेंट को लगे कि ड्यूटी शॉर्ट लेवी हुआ है, नॉन लेवी हुआ है, शॉर्ट पेमेंट हुआ है, नॉन पेमेंट हुआ है या एरेनियस रिफंड हुआ है तो डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस देगा। जैसे जीएसटी में वैसे इसमें भी है कि शो कॉज नोटिस दो तरह की हो गई, एक फ्रॉड वाली शो कॉज नोटिस और एक जनरल शो कॉज नोटिस। यदि फ्रॉड वाली शो कॉज नोटिस है, यदि फ्रॉड वाली शो कॉज नोटिस है तो डिपार्टमेंट आपको एक शो कॉज नोटिस देता है जिसमें 5 साल की टाइम लिमिट है, और यदि नॉन फ्रॉड वाली शो कॉज नोटिस है तो डिपार्टमेंट आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वाली शो कॉज नोटिस देता है। ये जैसे जीएसटी में प्रोविजन है वैसे ही कस्टम में भी। अमेंडमेंट इस बार इसमें क्या आया और ये बहुत ही वाइटल अमेंडमेंट है, बच्चे समझे तो बहुत ही वाइटल अमेंडमेंट। तो आपने पढ़ा होगा कि शो कॉज नोटिस एक बार डिपार्टमेंट ने दे दिया तो एडजुडिकेशन करते समय डिपार्टमेंट ड्यूटी बढ़ा नहीं सकता। हाँ बोलो, डिपार्टमेंट ने एक बार शो कॉज नोटिस दे दिया तो एडजुडिकेशन करते समय ड्यूटी बढ़ाई नहीं जा सकती। यानी सपोज डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि शो कॉज नोटिस में लिख दिया कि आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी बनती है 40 करोड़, तो आप बताइए 40 करोड़ आप क्यों नहीं देंगे। ये थी शो कॉज नोटिस। अब जब फाइनल असेसमेंट हो रहा है, मतलब उस बंदे का एडजुडिकेशन हो रहा है, उस समय डिपार्टमेंट को लगा नहीं यार 40 नहीं 50 करोड़ होगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक बार शो कॉज नोटिस में बोल दिया 40 करोड़, तब वो 50 करोड़ कर नहीं पाएगा। दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम जिसके कारण शो कॉज नोटिस हमेशा इरियलिस्टिक आती, उलपटान उनको जो जो चांसेस लगते सब डाल देते और जिसके कारण शो कॉज नोटिस का पर्पज फ्रस्ट्रेट हो जाता। इस साल हमारी सरकार ने शो कॉज नोटिस के साथ
सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस का प्रोविजन भी डाला। दो बड़ी बातें की है। पहली बात तो ये कि आप एक शो कॉज नोटिस दे दिए, उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस और दे सकते, मतलब सीधी सी बात है कि पहले हमने बोला था भैया 40 करोड़ ड्यूटी क्यों नहीं देंगे बताइए, फिर डिपार्टमेंट को एडजुडिकेशन करते समय लगा कि नहीं 40 नहीं 42 होगा, तो 2 करोड़ की सप्लीमेंट्री नोटिस भी दे सकता है। तो इससे वैसे देखने में लग रहा है आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में आपको फायदा होगा, क्योंकि आप जो डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस देगा वो रियलिस्टिक देगा, नॉनसेंस शो कॉज नोटिस अब आपके पास नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी पावर है, यदि लगा तो सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस दे देंगे। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट। दूसरा ये अमेंडमेंट आया कि डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस देने के पहले आपको एक नोटिस देंगे कि हम आपको ऐसी शो कॉज नोटिस देने जा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, यानी विद द प्री कंसल्टेशन, आपसे बातचीत करने के बाद फिर आपके पास शो कॉज नोटिस, ताकि शो कॉज नोटिस और रियलिस्टिक आए। तो शो कॉज नोटिस को रियलिस्टिक बनाने के लिए एक तो आपके पास पहले प्री नोटिस आएगी फॉर द कंसल्टेशन कि ये शो कॉज नोटिस में आपको क्या सही लग रहा है गलत लग रहा है, एक ये, और दूसरा शो कॉज नोटिस आने के बाद उसको सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस भी दिया जा सकता है। आश्चर्य है जो इतना प्यारा अमेंडमेंट इन्होंने कस्टम में किया है, ऐसा इन्होंने अभी तक जीएसटी में क्यों नहीं, जब इनके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे विचार आने लग गए तो फिर जीएसटी में भी इसको डाल देना चाहिए। एनी हाउ, हो सकता है बट ट्रायल मार रहे हो कस्टम में सही से लग गया तो जीएसटी में ले आएंगे। तो दे दो मेजर अमेंडमेंट। तीसरा मेजर अमेंडमेंट हुआ कि शो कॉज नोटिस आने के बाद असेसमेंट एडजुडिकेशन कितने दिनों के अंदर होगा, एडजुडिकेशन कितने दिनों के अंदर होगा। तो उसमें पहले प्रोविजन था कि 6 महीने के अंदर एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए यदि विदाउट फ्रॉड वाला केस है तो, और फ्रॉड वाला केस है तो 1 साल के अंदर एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए। इसमें कई बार ऐसा देखा जाता कि हमारे डिपार्टमेंट ठहरे आलसी, वो टाइम लिमिट के अंदर एडजुडिकेशन नहीं कर पाते। जब वो टाइम लिमिट के अंदर एडजुडिकेशन नहीं कर पाते तो SSC बोलता नाउ इट इज टाइम बार्ड, अब आप एडजुडिकेशन ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और इस मुद्दे पे फिर बाद में हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केसेस लग जाते हैं। अब इस बात को लॉ ने क्लियर कर दिया। पहला अमेंडमेंट इन्होंने डाला कि शो कॉज नोटिस के बाद एडजुडिकेशन करने की टाइम लिमिट तो वही है, 6 महीना इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केस, 1 ईयर इन केस ऑफ फ्रॉड केस, लेकिन ये टाइम लिमिट फिर से 6 महीना या 1 साल एक्सटेंड हो सकती है, यानी फ्रॉड वाले केस में 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है और नॉन फ्रॉड वाले केस में 6 महीने एक्सटेंड हो सकती है। ये ब्लू लेटर्स आप पढ़िए, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, साथ में हो, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू सो डिटरमाइन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एनी ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द PO मे हैव इन रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस under which the proper officer was prevented from determining amount of duty or interest, extend the period to a further period of 6 months and further period of 1 year as the case. Yani AC handle kar raha hai case, to DC usko bada sakta hai. DC case handle kar raha hai, to JC usko bada sakta hai. JC handle kar raha hai, to commissioner bada sakta hai. To jo bhi officer is maamle ko handle kar raha hai, uske senior ke rank ko officer is time limit ko bada sakta hai. ठीक है, और यदि बड़ी भी टाइम लिमिट के बावजूद भी, यानी 6 महीना प्लस 6 महीना, 1 साल के अंदर भी असेसमेंट नहीं हो पाया, 1 साल प्लस 1 साल, 2 साल के अंदर भी एडजुडिकेशन नहीं हो पाया, तो फिर मामला खत्म, यानी अब एडजुडिकेशन ऑर्डर नहीं आ सकता, अब टाइम बाउंड। तो एडजुडिकेशन ऑर्डर की टाइम लिमिट बढ़ा दी और पैरेलली ये बोल दिया गया कि टाइम लिमिट के अंदर एडजुडिकेशन नहीं हुआ तो फिर आगे एडजुडिकेशन नहीं हो सकता। हाँ बोलो बच्चों, हाँ बोलो, हाँ बोलो, ये बड़ा अमेंडमेंट आपको क्लियर हो गया।
बच्चों एडवांस रूलिंग इस साल एकदम छपेगा कस्टम में, तो एडवांस रूलिंग का मैंने सारे ड्रामा पा बना के वीडियो बनाया है, वो देख लेना यार, वो जबरदस्त वीडियो भी है और जबरदस्त अमेंडमेंट भी, परफेक्ट। इन दो प्रोविजंस के अलावा मुझे आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ाना, एक सर्च एंड सीजर मैंने पढ़ा दिया, एक रिकवरी मैंने पढ़ा दिया, अब जो जो है सब आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इसी वीक के अंदर अंदर। तीन वीडियो आ गए हैं, कुछ वीडियो आज डालूंगा, कुछ वीडियो कल परसों में डालूंगा, और धीरे धीरे आपके पास इसी वीक के अंदर सारे कस्टम अमेंडमेंट आ जाएंगे। इस वीक के एंड में मैं आपको ऑडियो बुक भी दूंगा, ठीक ना बच्चों? तो आज से हमारी क्लास यहीं पे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी कस्टम अमेंडमेंट बाकी है। यू शुड वेट फॉर माई वीडियो बुक एंड यूट्यूब वीडियोज। यूट्यूब में एक साथ सारे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, जबकि सारे वीडियो रेडी है, वो इसलिए कि ऐसा डालेंगे तो आप उतना पढ़ेंगे नहीं। हाँ सहेश, थैंक यू भाई। तो एक साथ इतने वीडियो आप पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े वीडियो डाल रहे हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगा वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इसलिए आज लाइव क्लास लिया। तो आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल दीज एंड यू विल फर्दर एंजॉय मोर वीडियोज एंड अल्टीमेटली वीडियो बुक। कस्टम इस बार टोटली अमेंडमेंट से कवर्ड रहेगा, ध्यान रखना बच्चों, तो एकदम लाइटली मत लेना, ठीक है? और आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है मुझे व्हाट्सएप पे बताते रहो। टाइम ज्यादा मिली है तो एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन भी टफ है इस बार। हाँ थोड़ा लेजी फील हो रहा है सुबह, मैं तुम्हें बताऊं लॉकडाउन में ना दो ही तरह के काम हो, हम लोग सब थोड़े से हेल्थ कंसर्स ज्यादा हो गए, और शायद इसीलिए हम लोग थोड़े से वर्क कल्चर कम हो, ठीक है ना? तो काम में आलस हर तरफ आ रहा है, हमारे स्टाफ भी नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, और जितना आउटपुट हम लोग नॉर्मल वर्किंग में देते थे उतना आउटपुट अभी हम लोग नहीं दे पा रहे, इंक्लूडिंग भी उतना काम नहीं कर। पहले तो मैं 10 घंटा पढ़ा देता था, अभी मैं 10 घंटे नहीं पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाता भी नहीं हूँ और इतना पढ़ता भी नहीं, लेकिन ना हेल्थ वेल्थ वाइज अभी बहुत काम हो रहा है, तो ठीक है, कहीं कुछ कम हो रहा है कहीं कुछ ज्यादा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए कि जो अमेंडमेंट्स टीचर्स वीडियो बना बना के दे रहे हैं, वो भी आप देखो अभी बहुत टीचर्स बहुत मेहनत कर करके आप लोग के पास वीडियो ला रहे हैं, वो आप कॉन्स्टेंट देखते रहे, वो देखने के कारण ही आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाए। किस बात की अनसर्टेनिटी, कैसा अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी है नहीं, एग्जाम दिसंबर में है वो पक्का है, वो होगा दिसंबर तक, कैसी अनसर्टेनिटी? अभी यदि मैं आपकी जगह होता तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जिस फील्ड में मुझे करियर बनाना है, मे बी टैक्स, मे बी कंपनी लॉ, मे बी व्हाटएवर, सिंस मेरा मैं जून के हिसाब से तैयारी कर रहा था तो मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। अब या तो मेरा उस समय ऑलमोस्ट तैयारी में एक आधे पेपर में लकुना था, तो सबसे पहले तो मैं उस पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा ताकि मेरा फेल होने का जो 1-2% प्रोबेबिलिटी था वो भी खत्म हो जाए, और यदि मेरे सारे पेपर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड थे तो अब मैं जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ, मे बी कंपनी लॉ, मे बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मे बी टैक्स, उस पेपर को मैं उस एटीट्यूड से पढ़ू जिससे मेरा वो करियर बने, तो इससे मेरा पढ़ाई का भी रिपीटेशन बहुत अच्छे से होगा और उस सब्जेक्ट में मेरा करियर भी बन जाएगा। एग्जाम के ठीक बाद एक बहुत टफ इंटरव्यू होना है ऑब्वियसली, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट उस टफ इंटरव्यू को मैं क्रैक करूँ, तो उस एंगल से पढ़ाई करना शुरू करो। पढ़ाई या कोई भी काम आदमी तभी कर पाता है जब उसके पास रीजन, रीजन टू डू दैट, तो आप अपने अंदर वो रीजन लेकर आइए कि जिस पेपर में मैं फेल होने वाला था उस पेपर को मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया ताकि मैं फेल ना हो, कोई रीजन नहीं है मेरा फेल होने का, और या फिर जिस पेपर में मुझे को अपना करियर बनाना है उसको मैं उस एटीट्यूड से पढ़ू, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लू, उससे रिलेटेड जो बंदे काम कर रहे हैं मार्केट में
उनके वीडियोस देखूं, उनके यूट्यूब में उनसे रिलेटेड वीडियोस देखूं, ताकि मेरा नॉलेज और इन्हांस। चलो दोस्तों, आज यहीं पे टीआई की क्लास करने जरूर आना, थर्सडे की क्लास है, वो आप लोग के लिए हमेशा वाइटल है। तब तक के लिए राम राम भाई। And I told him for almost about that. Have them run up on like this. All right, my room. Run!